बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिलियो में क्लिनिक से बड़वाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे जो फर्दर होम्योपैथिक जो मदर टिंचर्स हैं उनके वाले से। तो 22 नंबर पे एक मदर टिंचर है, बाकुपा माइनोरी कहते हैं हम इसको, बरहमी भी कहते हैं। और ये अगर इम्पार्शल मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी उसके अंदर इशू आ जाए, और अच्छा ये नर्व टॉनिक के तौर पर भी काम करता है, और ये जो हेयर ग्रोथ है उसको ज़ाहिर है ये इंक्रीज़ करता है, और डैंड्रफ जो है उसको ख़त्म करता है। तो ये जो बकुपा है इसको आप स्टूडेंट के लिए एज अ मदर मतलब बतौर मदर टिंचर जो है वो एज अ ब्रेन टॉनिक भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम करते हैं। और उसके बाद 23 नंबर पे जो है वो बेलाडोना होम्योपैथी की मशहूर और मरूफ जो है वो दवा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसका जो पेशेंट है उसका जो है वो सर गर्म होगा, हाथ और पांव उसके ठंडे होंगे, यानी उसको लगेगा कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गर्म है, बाकी हिस्सा जो है वो ठंडा है। तो ये फीवर में, मिर्गी में, पागलपन में और टॉन्सिलाइटिस में हैरत अंगेज जो है वो रिज़ल्ट रखती है, कमाल का। और आप जो है वो इसको, और बच्चों की ये बड़ी दोस्त किस्म की मेडिसिन है और बहुत अच्छी उनकी जो तकलीफ है उनको कवर करती है। और ये फर्स्ट डिग्री जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इश्यूज़ होते हैं, इन्फ्लेमेटरी इशू होते हैं, उनके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो दवा के तौर पे जो है वो काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे 24 नंबर पे कैलेंडुला की। अब कैलेंडुला जो मदर टिंचर है वो वाउंड्स में, एरिसिपेलस में स्किन का जो है वो सुर्ख हो जाना उसमें काम करती है, और ये प्रमोट करती है ग्रैनुलेशन को, यानी ज़ख्म को मुंदमिल होने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप एज ए मदर टिंचर इसको इस्तेमाल करें, ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ख़ुद भी इसके ऑइंटमेंट्स बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल भी हैं। और 25 पे जो है हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है सेफालेंड्रा इंडिका। अब ये डायबिटिक मेलाइटिस के जो केसेस हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। और इसमें एक और जो इंडिकेशन है जिसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो ये कि ऑल ओवर द बॉडी में बर्निंग होती है, पूरे जिस्म जो है वो जल रहा होता है, बाइल्स होते हैं, कार्बंकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, और इसके जो पेशेंट होता है उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि कमज़ोर होती है, और उसकी भूख भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर इस तरह की कोई इंडिकेशंस आपके पास आती हैं तो आप सेफालेंड्रा इंडिका जो है इसको एज अ मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 26 नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है कैमोमेला। अब कैमोमेला जो है वो बतौर मदर टिंचर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट रखता है, और ये भी जैसे मैंने जिक्र किया बेलाडोना का, तो ये भी बच्चों की जो है वो दोस्त दवा है। लंबेगो में इसका बड़ा काम है, बड़ों के वाले से अगर हम बात करें शटिका में इसका बहुत बड़ा रोल है, और IVDP पेन जो है मतलब इंट्राविट्रब्यूरल डिस्क रिलैप्स पेन जो है उनमें कमाल के असरात रखती है ये। आप इसको टॉपिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैरूनी तौर पे भी, और आप इसको बतौर मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के जितने भी मतलब कि पेन्स हैं, कॉलिक हैं, बेलाडोना के साथ मिल के बेहतरीन जो है वो एक्ट रखती है। उसके बाद 27 नंबर पे हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे वो है कन्वलेरिया मेजेलिस। कन्वलेरिया जो है वो हार्ट की लिए बतौर टॉनिक भी काम करती है, इंक्रीज एनर्जी ऑफ हार्ट, दिल के अंदर जो कमज़ोरी है उसको बेहतर करती है, और जो हार्ट की जो पल्स रेट है उसको रेगुलेट करती है, और दिल की जो धड़कन है उसको जो है नॉर्मलाइज करती है। और कन्वलेरिया मेजेलिस को इस हवाले से बहुत शोहरत हासिल है। और ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।